मेघना गाग मंच टीवी की खास पेशकश आपका मंच में आप सभी का स्वागत है। आज के आपका मंच के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं सुंदर सेवक सभा ट्रस्ट के स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मोहन बालानी, उन्हीं के साथ साथ है मिस्टर हरेश रूपानी जी। आज हम स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल में कौन सी सेवाएं हमारे शहरवासियों का और बहुत से आसपास के शहरों से भी यहाँ पे लोग आते हैं अपना इलाज करने के लिए, तो कौन सी सेवाएं ये ट्रस्ट पिछले कई सालों से दे रही है, इस बारे में खास जानकारी हम इनसे हासिल कर रहे हैं। सर मिस्टर बालानी जी, सबसे पहले आप बताइए कि कौन सी सेवाएँ कितने सालों से आप स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल के जरिए लोगों को दे रहे हो। सुंदर सेवक सभा जिन्होंने अभी अभी सेंटिनरी ईयर मनाया है, उनकी तरफ से शुरुआत सखर सिंध जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ सन 1916 में हुई थी, जहाँ सोशल कार्य में उनके बगीचे बनाना, लाइब्रेरी चलाना, शादियाँ कराना और कई बुक्स वगैरह देने का कार्यक्रम वहाँ चलता था। आफ्टर पार्टीशन उनका तबादला, उनकी शुरुआत उल्लासनगर में हुई, जिसमें सर्वश्री सभागचंद चावला जी, सर्वश्री परशुराम मसंद जी, सर्वश्री रूपानी जी, सर्वश्री परशुराम बालानी जी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सुंदर सेवा सभा का यहाँ एक नया आस्थान लेकर शुरुआत की। शुरू शुरू में यह कार्य मिलिट्री बैरक्स में किया गया और उल्लासनगर में सोशल कार्यों में उन्होंने दशहरे का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया करते थे, जिसमें हज़ारों लोग आके उसे देखते थे और सारे उल्लासनगर का सबसे अच्छा कार्य वो रहता था। कई बरस तक यह चलता रहा। उसके बाद मेडिकल फील्ड में उस समय में कोई सुविधा न थी, जिसकी शुरुआत सुंदर सेवक सभा ने 1950 में मिलिट्री बैरक्स में की। हर इतवार को किसी न किसी बॉम्बे के डॉक्टर को आमंत्रित किया जाता था और हफ्ते में एक ही बार ये सेवाएं दी जाती थी। धीरे धीरे चल के एक एक छोटा कदम करके हॉस्पिटल की सेवाएं बढ़ती गई। पैथोलॉजी खुली, व्यायाम घर खुला और छोटी मोटी दवाइयां दी जाती थी। कुछ समय बाद आँखों का एक ख़ास विभाग शुरू किया गया, जिसमें बॉम्बे से कई डॉक्टर्स आते थे और आँखों के इलाज का काफ़ी महत्व था और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा होने से इस हॉस्पिटल का नाम जनरली उल्लासनगर में जाना जाता था आँखों की अस्पताल। 1980 तक यह चलता रहा। 1980 में स्वामी शांति प्रकाश जी, जो कि प्रेम प्रकाश मंडल के चीफ थे, उन्होंने ऑफर दिया कि यहाँ एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए तो आप इस संस्था का नाम चेंज करेंगे। तब सुंदर सेवा सभा के ट्रस्टियों ने बोला ऐसा संभव नहीं, लेकिन जो कुछ आप बना के देंगे उसमें हम आपका दिया हुआ नाम रखेंगे। और उस उपलक्ष्य में एक 6 माला बिल्डिंग बनाई गई, जिसका नाम उन्होंने सजेस्ट किया स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल। यह 40 बिस्तरों की हॉस्पिटल 6 माले में बन चुकी थी, जिसकी शुरुआत 1984-85 में हुई। 8-10 डॉक्टर्स मिलके यहाँ आते थे और उसके चार्ज में वहाँ के श्री मुरलीधर जी थे खेमानी, जिन्होंने अपने करियर में रिटायर करके वो चार्ज ली थी। 2-2.5 साल तक उन्होंने ये चलाया काम। श्री परशुराम मसंद की सहायता और श्री परशुराम बालानी जो रोज़ आते थे, उनके सहाय यह कार्य आगे बढ़ता रहा। ये सब काम स्वामी शांति प्रकाश की देखरेख में होता था और उनको जो भी सहायता हमें चाहिए थी उनसे ली जाती थी। 1986 से मैंने यह संस्था
जब मेरे पिताजी हयात न रहे उनकी जगह पे मैंने ज्वाइन की और उसके बाद आज तक लगातार लगभग हर रोज़ मैं संस्था में जाता हूँ और अपना सेवाओं का कार्य आगे बढ़ाता हूँ। 1986 में हमारे यहाँ 8-10 डॉक्टर थे और 10-15 बिस्तरे भरे रहते थे और आँखों के ऑपरेशन का इलाज वहाँ किया जाता था। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर मोदी आए, डॉक्टर बॉम्बे के कई विख्यात डॉक्टर उन्होंने आना शुरू किया और धीरे धीरे यह कार्य बढ़ता रहा। काफ़ी तकलीफ़ों के बावजूद भी सरकारी कोई मदद न मिलने से इस काम में हमें दिक्कतें आई, पर उन सब का सामना करते हुए हमने कदम आगे बढ़ाया और 1990 में जल्द ही 4-5 साल के अंदर इसका एक चिन्ह दिखाई दिया कि इस हॉस्पिटल की ज़रूरत उल्लासनगर वासियों को बहुत ज़रूरी है और इसके एक परिणाम हमें जो बनाई गई जगह थी वो कम पड़ने लगी और हमने एक और मिलिट्री बैरक को पूरा ध्वस्त करके एक नया बिल्डिंग खड़ा किया जिसको हमने नाम दिया परशुराम मसंद ओपीडी ब्लॉक, क्योंकि वही शुरुआती हमारे ट्रस्टी थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और ये ऐसे 4-5 प्लाट उल्लासनगर में दिए जिसके ऊपर काफ़ी सोशल कार्य चल रहे थे, चल रहे हैं। 1986 के बाद हमने कदम तेज़ी से बढ़ाया और डॉक्टर्स काफ़ी नए अपॉइंट किए, कई नए विभाग चालू किए और आज के तारीख में यह उल्लासनगर की एक अव्वल नंबर हॉस्पिटल है जहाँ 90 डॉक्टर्स हर हफ्ते अपनी सलाहें देते हैं, रेगुलर आते हैं और कई बीमारियों के इलाज करते हैं। ख़ास करके आँखों का विभाग हमारे यहाँ हर सुविधा है जिसमें करीबन 28 डॉक्टर आँखों के भाग ले रहे हैं और हर बीमारी का इलाज न सिर्फ फ्री बहुत बिल्कुल सस्ते में बॉम्बे के कंपेरियन या उल्लासनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भेंट में काफ़ी हद तक कम है, जिसका लाभ आज भी करीबन 1,00,000 पेशेंट हर साल में ले रहे हैं। क्या बात है। वैसे तो 90 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और डेली का हमारे यहाँ करीबन 700 से अधिक पेशेंट आते हैं, साल के करीबन 2,50,000 पेशेंट फ़ायदा ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे को 1999 में एक ज़रूरत महसूस थी कि काफ़ी लोगों के किडनी फेल्योर्स हो रहे थे, एक नया दौर शुरू हुआ था जिसमें डायलिसिस मशीन की शुरुआत हुई थी। उल्लासनगर में पहली हॉस्पिटल थी जिसने डायलिसिस की शुरुआत 1999 में की और 2 मशीन से शुरू की और आज उस विभाग को बढ़ा के बॉम्बे के एक सबसे बड़े यूनिट का निर्माण हुआ है जिसमें 21 मशीन से 100 से अधिक पेशेंट हैं और साल में 12,000 डायलिसिस की जाती हैं, वो भी आधे से ज़्यादा लोग मुफ्त में करवाते हैं या मामूली सा खर्चा 200-250 रुपया दे के करवाते हैं, जबकि इसका इलाज बॉम्बे में एक डायलिसिस का करीबन 2,000 रुपया लिया जाता है। ऐसी सुविधा हमारे कई कॉम्पिटिटर्स उल्लासनगर में आए लेकिन वो खड़े नहीं रह पाए क्योंकि उसका एक डायलिसिस का खर्चा खुद 600 रुपया है और हम 200-250 में करें या मुफ्त में कर रहे हैं। ये सुविधाएं सिर्फ हमारे उल्लासनगर में हैं और बॉम्बे से लोग आते हैं तो चकित रह जाते हैं कि इतना सारा इलाज लाइफ टाइम के लिए आप कैसे कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ जो 100 पेशेंट्स इलाज करवा रहे हैं उनका सिर्फ हम डायलिसिस नहीं इलाज करते हैं, उनके घर तक का हम ख्याल रखते हैं, उनके नाश्ते खाने का यहाँ पर प्रबंध है, ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री है। हर त्यौहार पे उनको घर तक राशन दिया जाता है, हर मौके पर उनको एक साल में पिकनिक किया जाता है, एक फैमिली सरी का हमारे यहाँ वातावरण है जिसका लाभ लोग एक बार आते हैं तो परमानेंट हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सर, कैटरेक्ट ऑपरेशन के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, यानी मोतियाबिंदु का जो ऑपरेशन होता है, जो शस्त्रक्रिया होती है, उसका क्या प्रोसीजर है? अगर किसी को आपके अस्पताल में वो इलाज करवाना है तो क्या प्रोसीजर है पूरी? सर, मैंने आपको बताया कि इस हॉस्पिटल को
आँखों की अस्पताल से ही नाम प्रसिद्ध था। उस टाइम में एक मोतियाबिंदु ऑपरेशन के लिए 7 दिन मरीज को हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, इसलिए इस हॉस्पिटल में सिर्फ 20 बिस्तरे की सुविधा थी। अब आज ऐसा इलाज हो चुका है, इतनी उन्नति हो चुकी है जिसमें करोड़ों का मशीन तो लगता ही है, लेकिन आज पेशेंट ऑपरेशन करके बिना किसी वेट किए हुए 5 मिनट तक भी नहीं सीधा घर जा सकता है, आराम से जाके घर में टीवी देख सकता है और अपना कामकाज नौकरी धंधा कर सकता है। तो इतनी तरक्की, और वो भी हर पेशेंट के भीतर एक लेंस डाला जाता है, उस लेंस में जितने भी मुफ्त के ऑपरेशन होते हैं उसमें हम हिंदुस्तान से बनाया हुआ लेंस वापरते हैं। इसके अलावा लेंस की कीमत 40,000 तक है इम्पोर्टेड लेंस की, जिनका भी यहाँ सुविधा है। और ऐसे ऑपरेशन 2 से 2,500 हर साल में होते हैं, जिसकी जो पसंद है उस हिसाब से उनका ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन किसी भी कीमत पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। जो सुविधा, जो मशीनें हम फ्री वाले केस में करते हैं, वही मशीनें हम प्राइवेट वाले पेशेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और आज तक हमारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कि लाखों ऑपरेशन करने के बावजूद कभी भी किसी भी आदमी का कोई कंप्लेंट नहीं आया है, सुखी है। कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ वापस कोई भी करेक्शन के लिए नहीं आता है, ये एक हमारी अचीवमेंट है जिसका लोग फ़ायदा लेते हैं, ले रहे हैं और लेंगे। सर, अलग अलग डेज है बीमारियों के, है ना, कोई स्पेशल अगर डे रखा गया है किसी को, अगर आँखों की जांच करनी है या फिर कान की या फिर डेंटिस्ट, तो वो डेज कैसे है सर, मंडे से लेके संडे तक? मैंने आपको बताया कि आँखों में, जैसे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 28 डॉक्टर हैं, रोज़ 3 डॉक्टर हैं, सुबह 10 बजे एक, दोपहर में 2 बजे और शाम को 4 बजे। तो ये डेली का ही है, 365 दिन का होता है आँखों का। 3 हमारे यहाँ नहीं, सारी हॉस्पिटल सारी। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में होली हो, दिवाली हो, कोई भी बड़ा त्यौहार हो तो भी 400-500 पेशेंट आ ही जाते हैं। सबको पता है कि एक हॉस्पिटल है जो 12 ही महीना 365 दिन काम करती है, ऐसा सिस्टम वहाँ बनाया गया है। तो कोई स्पेशल डे नहीं है किसी भी, कोई स्पेशल डे नहीं है, कोई भी दिन कोई भी पेशेंट प्राइवेट हो या पब्लिक हो या फ्री का हो, उसका इलाज हो जाता है। जिस ज़रूरतमंद को सच में बहुत ज़रूरत है, तो कुछ ऐसे रेशन कार्ड, जैसे BPL का कोई रेशन कार्ड लेके जाना हो, ऐसा कुछ है? गवर्नमेंट का कायदा है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, हमारे यहाँ कुछ नहीं ऐसा। हम न किसी का कार्ड देखते हैं, न गरीब देखते हैं, न शाहूकार। जिसको जो चाहिए आके सिर्फ बोलेगा कि हमारा ऑपरेशन मुफ्त करो, हम उसे ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हैं। एक एड्रेस प्रूफ ज़रूरी है जो कि हमें कॉन्टैक्ट और गवर्नमेंट को देने के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी नहीं। हमारे अगर राशन कार्ड नहीं रहता है तो पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड, आधार कार्ड भी नहीं हो तो लोकल काउंसलर से हम एक चिट्ठी मंगवाते हैं कि मैं इस वार्ड में रहता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। ऐसा है। तो सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलता है सर आपकी इस संस्था? सरकार की तरफ से सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। आज हमारे यहाँ 21 डायलिसिस मशीन होते हुए हमें पानी नहीं मिला है, जो कि एक मूल आधार है एक डायलिसिस मशीन का। हमें हर बार हर वक्त म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखा है, हमने पानी वाले डिपार्टमेंट में कई एप्लीकेशन दिए, हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा है। आज के तारीख में हम टैंकर पे जी रहे हैं और वो भी पैसे से लेना पड़ता है, जिससे हमारे खर्चे बढ़ते हैं और वो पानी कई बार पूरा साफ नहीं होता है, जो कि डायलिसिस में हमें चाहिए क्वालिटी। इसलिए हमारे को एक स्पेशल RO प्लांट लगाना पड़ता है 10 लाख रुपया खर्चा करके, जिसमें हम अपना पानी खुद साफ करके यूज़ करते हैं। आँखों में इलाज एक तरफ से होता है, दूसरा आज आपने देखा होगा कि बच्चों को छुटपन में TV मोबाइल्स देखने की बहुत आदत लग गई है, जिसकी वजह से उनकी नज़र कम होती जा रही है, उन्हें जाड़ा वाला चश्मा लगता है। और उस चश्मे को दूर करने के लिए हमने एक विशेष मशीन लगाई है, लेसिक मशीन, जो कि हमने अमेरिका से मंगाई है, सबसे ऊँचे में ऊँची और महंगी मशीन है। उसके ऊपर हम उन बच्चों के आई साइट करेक्शन करते हैं और फिर सारी उम्र भर उनको चश्मा नहीं पहनना पड़ता है।
इस इलाज का बॉम्बे में 50,000 और 1,00,000 रुपया लेते हैं एक पेशेंट से, जबकि हमारे यहाँ ये इलाज 10,000 और 20,000 में होता है। वही मशीन, वही डॉक्टर्स और बॉम्बे से आते हैं। आज की तारीख में इस मशीन का यूज़ जो है वो काफ़ी लोग करते हैं और हमने कई बार फ्री कैंप भी लगाया है, जिसका लाभ काफ़ी कई लोगों ने लिया है। गुजारिश करूंगा लोगों से कि उसका फ़ायदा उठाएं। यह एक बहुत कीमती मशीन है, महंगी मशीन है और सबसे अच्छी मशीन है। और एक बात है सर, आपके अस्पताल में, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की हमने बातें की, जैसे नॉर्मल किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, सर्दी खांसी बुखार, तो वो भी बहुत कम पैसे में उसके इलाज होते हैं। बहुत छोटे छोटे आपने डिस्पेंसरीज बना के रखी है सर्वानंद हॉस्पिटल में, उस बारे में क्या कहोगे सर? लास्ट अगर में करीबन 20 साल पहले हमने बाहर, जब प्राइवेट डॉक्टर्स MBBS या RMP ने दवाखाने खोले थे तो 20 से 30 रुपया लेते थे, आज वो 100 रुपया ले रहे हैं। वो इलाज हमारे यहाँ डेली 250 पेशेंट ले रहे हैं। पहले हमने फ्री में चलाया 8-10 साल, उसके बाद सिर्फ 5 रुपया रखा। आज के तारीख में 20 साल के बाद हम सिर्फ 10 रुपया लेते हैं, एक दिन का दवाई देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं सिर्फ 10 रुपये में, जिसका लाभ डेली 250 पेशेंट ले रहे हैं। ये दवाखाना हमारा सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक चलता है, इसका लाभ लोग उठा सकते हैं और भी ज़्यादा ले सकते हैं। हमारी वैसे भी जो चार्जेस है बाज़ार के भाव में, ऐसा कहा जाए कि अगर बाज़ार में रुपया देना है तो हमारे यहाँ 4 आने में वो इलाज हो जाता है। क्या बात है। तो इसका लाभ जैसे मैंने बताया कि अभी आप कहीं भी जाएंगे बॉम्बे में, उल्लासनगर में, बेड चार्जेस 800 रुपया है एक दिन का, हमारे यहाँ आज भी वो 200 रुपया है। बेसिक नीड अगर किसको एक हफ्ता रहना पड़े तो बाहर 800 रुपया लगेगा, हमारे यहाँ 8×200 रुपया सिर्फ इतना ही लगता है। RMOs की फ़ी, नर्सिंग फ़ी है ही नहीं हमारे यहाँ। लोग बाहर नर्सिंग की फ़ी, RMO फ़ी, कई किस्म के और चार्जेस लगाते हैं, हमारे यहाँ सीधा पैकेज बना हुआ है। अब सीजरिंग आप कराइए या नॉर्मल डिलीवरी कराइए, हमारे यहाँ 10,000 में नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, सीजरिंग बोले तो 25,000 में हो जाता है, इंक्लूडिंग पैकेज आने से जाने तक दवाइयों समेत। अब ऐसा इलाज बॉम्बे में कहीं भी जाओ तो लाखों में होता है। उल्लासनगर में 50 से 60 हज़ार लिया जाता है, 1,00,000 रुपया लिया जाता है। तो ये सब सुविधाएँ वही डॉक्टर हमारे यहाँ आके सेवाएँ में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस ज़्यादा है, वो आते हैं और लोगों का भला करते हैं, हम उनके आभारी हैं उसमें। सर ECG MRI वगैरह टेस्ट भी होते हैं यहाँ पे? ECG होता है, MRI और CT स्कैन हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके अभी हमारे यहाँ डॉक्टर्स मिल नहीं रहे हैं। जिस दिन डॉक्टर कोई अच्छा मिलेगा हम लगाने को तैयार हैं, ये सुविधा कर सकते हैं। CA कैंसर के लिए हमारे यहाँ सुविधा है, केमोथेरापी वगैरह जो बॉम्बे में लोग 40 से 50 हज़ार पर केमोथेरापी खर्चा करते हैं, वो हमारे यहाँ 5 और 10 हज़ार में होता है, आज भी उसके डॉक्टर्स आते हैं बाय अपॉइंटमेंट। बाकी मेडिकल टेस्ट कौन से होते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह जैसे कौन से? ब्लड टेस्ट में सबसे सारे उल्लासनगर में अच्छे में अच्छा लेबॉरेटरी, वेल इक्विप्ड कंप्यूटराइज सिर्फ हमारे पास है, जिसका इलाज भी हमारे यहाँ 10 रुपये में होता है तो बाहर 40 रुपये में होता है। हमारे यहाँ डेली 400 से 500 सैंपल आते हैं, इसका लाभ भी ले सकते हैं लोग। इसके अलावा और कौन सी बीमारियों के टेस्ट, जैसे थायराइड हो गया और ऐसी मेजर बीमारी है जिसके टेस्ट के पैसे बाहर बहुत ज़्यादा है सर? लगभग हर बीमारी का 90 डॉक्टर हैं हर फील्ड में है, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोफिजिशियन है, यूरोलॉजिस्ट है, काफ़ी सुपर स्पेशलिस्ट हैं, रेटिना है आँखों में, इन सब का इलाज होता है। सर आप क्या शहरवासियों को अपील करना चाहते हो, कोई भी अगर ज़रूरतमंद है जिसको आपके अस्पताल में आना है तो क्या आप सजेस्ट करो? क्या बालानी साहब ने जो बताया उसमें मैं ये बात जोड़ूंगा, इन्होंने जो डिस्पेंसर की बात की उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट आके बोलता है कि मैं 10 रुपया भी नहीं दे सकता हूँ तो उसे कुछ नहीं लेते, वो जो काउंटर पे बैठा है उसको ही अथॉरिटी है, कोई आके बोलेगा कि मैं नहीं दे सकता हूँ तो उसे नहीं लेते हैं। 10 रुपये बहुत छोटी बात है। वो भी अगर कोई नहीं दे सकता है तो हम इंसिस्ट नहीं करते हैं, किसी को वापस नहीं भेजते हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया चश्मा उतारने की लेजिक मशीन, ये इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट करूँगा कि पर्टिकुलरली जो यंग गर्ल्स हैं ऑफ मैरिजेबल एज, उनको जब ये चश्मा लगता है तो हमारे समाज में वो अच्छा नहीं माना जाता है,
तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत सस्ते में होता है। जैसे बालानी जी ने बताया कि 50,000 और 1 लाख रुपया खर्चा होता है उल्लासनगर में, या उल्लासनगर के बाहर हमारे यहाँ 10 से 20 हज़ार में हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात मैं कहूँगा कि समय समय पे हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग बीमारियों की, वो मैं मिस्टर बालानी को बताऊंगा कि इसके बारे में कुछ बताएं तो जनता को फायदा होगा। सुना है बहुत से कैंप्स आप लेते रहते हो, जैसे कोई रिसेंटली अभी हम लोगों ने यूरोलॉजी का कैंप लगाया था, बहुत बड़ा कैंप मतलब था वो। लगभग हर हफ्ते हमारे यहाँ कोई ना कोई फ्री कैंप रहता ही है, साल में 60 से अधिक कैंप लगाते हैं। अभी जो कैंप चल रही है वो थी यूरोलॉजी कैंप, जिसको अभी बंद किया है 2-4 दिन पहले। ये यूरोलॉजिकल के ऑपरेशंस नॉर्मली बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और काफ़ी समय लगता है, एक एक ऑपरेशन को 3 से 4 घंटा लगता है। ऐसे कैंप फ्री ऑपरेशंस की हमने अभी 1 महीना लगाई थी और इसमें हमारे को काफ़ी बॉम्बे के डॉक्टर्स मदद करते हैं, फ्री सेवाएं देते हैं और दवाइयों का जो खर्चा है वही करीबन 10 लाख हो जाता है। उसका हम पूरा सहयोग किसी न किसी डोनर से लेते हैं। ये कार्य हम गए 20 साल से चला रहे हैं, हर साल एक बार फ्री यूरोलॉजिकल कैंप लगाते हैं। सर, इन सेवाओं के अलावा जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिस या फिर कोई एजुकेशनल सेवाएं होती है इस ट्रस्ट की ओर से? सर, हम लोग काफ़ी कुछ एजुकेशन के बारे में करते हैं। पहले तो हम हमारे स्टाफ को काफ़ी जगह पर बॉम्बे में जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, CME होते हैं, उनके लिए वक्त वक्त भेजते रहते हैं टू अपग्रेड देयर नॉलेज। इसके अलावा हम उल्लासनगर में CME का प्रोग्राम करते हैं, नॉर्मली होटल जवाहर में करते हैं, जहां बॉम्बे के सिंधी मेडिको क्लब जिनके 250 मेंबर हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। उल्लासनगर की 2-3 संस्थाएं जो मेडिकल फील्ड में हैं उन सब डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और वहां हम उनके लिए किसी खास विषय पर एक व्याख्यान अरेंज करते हैं, जो उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट रहती है उनके बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। यह कार्यक्रम हमारे यहाँ कई वर्षों से चला आ रहा है। इसके अलावा हमारी तरफ से एजुकेशन में हमने 1950 से जो शुरू किया था वो एजुकेशन में था हमारा बालवाड़ी, हम KG क्लासेस जिसको आजकल प्ले ग्रुप कहते हैं, ऐसे क्लासेस हम 1950 से चला रहे हैं, आज भी चल रहे हैं हमारे। इसके अलावा नर्सिंग, हमारे यहाँ से नर्सिंग जो है, आजकल उल्लासनगर में कोई समय था जब बहुत सी नर्सेस केरला से आती थी जो आज यहाँ नहीं आ रही हैं, तो इसकी शॉर्टेज उल्लासनगर में रहती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने नर्सिंग क्लासेस शुरू किए थे 10 साल पहले, जो आज भी चलते आ रहे हैं हमारे यहाँ, और उसमें हमारे डॉक्टर्स का पूरा सहयोग है। इंटरनल अरेंजमेंट हमारे यहाँ सब सुविधा है, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। आज भी हमारी नर्सेस उनको जॉब एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलने के पहले मिल जाती है, ये हमारा एक उल्लासनगर को देन है। टेलरिंग क्लासेस उल्लासनगर के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, जहाँ जीन का ज़माना है, जीन बनते हैं, उनके लिए हम लोगों ने लड़कियों के लिए टेलरिंग क्लासेस शुरू किए थे। आज भी हमारे यहाँ 10 बैच टेलरिंग की चलती है, जिस एक एक क्लासेस में 20 से 25 लड़कियाँ रहती है और एट अ टाइम करीबन एनी गिवन टाइम करीबन 250 लड़कियां हमारे यहाँ डेली ट्रेनिंग ले रही हैं। हमारे यहाँ सेंटर है, उनको 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज दिए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से उन्हें गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिया जाता है और उन सभी को घर में काम, बाहर काम, कहीं फैक्ट्री में काम इमीडिएटली मिल जाता है, जिसका कई लड़कियों ने लाभ उठाया है। इसके अलावा हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज चलते हैं, जिसमें भी करीबन 100 भर लड़कियाँ डेली इसका लाभ उठा रही हैं। आज तक हमने 10,000 से भी अधिक लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है और एम्प्लॉयमेंट दिया है। यह हमारा कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसका लाभ कोई भी उठा सकता है, बहुत तरह से वो सब फ्री है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इसका लाभ ले सकते हैं लोग। सर, ये जो कार्य आप कर रहे हो, जैसे लोगों को आप रोज़गार भी दे रहे हो, मरीजों को, जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनकी सेवा आप कर रहे हो, तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, लेकिन शहर से जुड़े जो पॉलिटिशियंस हैं या संत है या कोई भी प्रोफेशनल्स भी, कोई चाहे कोई डॉक्टर हो जो आपको हेल्प करना चाहते हैं या डोनेशन कोई देना चाहते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा आप रखते हो? सर,
इतने बड़े कार्य के लिए हर छोटी सी छोटी ज़रूरत में मदद तो चाहिए। आज हम ये हॉस्पिटल, वैसे तो कमेटी में हमारे 17 मेंबर हैं, लेकिन उसमें से हमारे 8 इंजीनियर्स हैं, वो भी रिटायर्ड, जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद हमने हमारे साथ जुड़ा है, वो लोग डेली आ रहे हैं और हर कार्य में हर तरह का इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सारे इंजीनियर्स हमारे पास हैं जो डेली आकर हमें अपनी सेवाएं देते हैं बिना किसी लाभ लिए। उनमें से एक हमारे साथ इंजीनियर जो हैं मिस्टर हरेश रूपानी जी, जो हमारे हॉस्पिटल में पूरे एडुकेशन के चार्ज में हैं, वो आपसे दो शब्द बताएंगे कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। ये हमारे एडुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे बालानी जी ने बताया, टेलरिंग क्लासेस, ब्यूटिशंस कोर्सेज, नर्सिंग क्लासेस चलाते हैं। इसके अलावा हम जो स्कॉलरली स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। क्या बात है, कि आगे चल के वो ग्रेजुएट्स बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, आईटी प्रोफेशनल्स बने, जैसे वो गरीबी से एकदम बाहर आ जाए। हमारा मत ये है कि कोई भी बच्चा अगर स्कॉलर है और पढ़ना चाहता है तो पैसे के वजह से नहीं रुकना चाहिए। हमारे कई स्टूडेंट्स हमारी हेल्प से, कुछ हमारी हेल्प, कुछ उनके पेरेंट्स का देन, आज अमेरिका में भी पढ़ रहे हैं। क्या बात है, और उधर लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, मतलब वो गरीबी से एकदम बाहर आ गए हैं। ये एक हमारी एक और एक्टिविटी है जिससे हमारे समाज को फायदा हो सकता है। कई केसेस में जब हम पैसे नहीं दे सकते हैं तो हमारा अरेंजमेंट है नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक से, वो बैंक उनको लोन देती है हमारी सिक्योरिटी पे। क्या बात, और वो वापस करते हैं उनको। तो ये फैसिलिटीज जितना हो सकता है हम करते हैं। दूसरा, ज़रूरतमंद बच्चों को बुक्स, ये आजकल बुक्स की कास्ट भी बहुत बढ़ गई है। कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है तो हर साल 4-5 हज़ार रुपए के बुक्स ही लग जाते हैं। तो हम लोगों ने टाइप किया है उल्लासनगर के सिंधु यूथ सर्कल से कि वो उनके बुक बैंक से हमारे बच्चों को बुक्स देते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है और हम उनको वो बुक्स लेके देते हैं। आज कम से कम उनकी बुक बैंक में से 1500 बच्चे हर साल बुक्स लेके नेक्स्ट ईयर वापस करते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली नो, एक रुपया भी नहीं लेते हैं उनसे। तो ये एक हमारी और सेवा का विभाग है जहाँ शहरवासी फायदा ले सकते हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हो सर शहर से जो जुड़े लोग हैं उनसे? देखिए, आज के जमाने में पैसा सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। और उल्लासनगर में इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने बिजनेसमैन हैं, अगर 5 या 10 इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन बाहर आ जाए तो हम अपनी सेवाएं कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्या बात है, गरीब से गरीब को हम मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हैं, गरीब से गरीब बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। तो सिटीजन्स हैव टू कम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट। हमारे पास सब एक्सपर्टाइज है, जैसे बालानी जी ने बताया हमारा 8 इंजीनियर संभाल रहे हैं, तो एक्सपर्टाइज सब है, लेकिन कोई भी कार्य में फिनांस तो सबसे ज्यादा चाहिए। उल्लासनगर शहर जाना ही जाता है सेवा के लिए, सेवा के लिए जाना जाता है, और अच्छा बिजनेस है। तो मैं शहरवासियों को अपील करूंगा कि वो आए, हमारी संस्था देखें और कंट्रीब्यूट करें इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या बात है, अंत में क्या मैसेज देना चाहते हो सर? अंत में मैं आभार मानूंगा उन सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने हमारे साथ मिलके लोगों की सेवाएं की है। और हमने 2 दिन पहले ही, संडे के दिन, 4 दिन पहले ही, संडे के दिन ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने हमारे साथ 25 साल या उससे अधिक बिताया है उनको हमने फेलिसिट किया, उन्हें बहुत बड़े बड़े इनाम दिए और एक बड़ा विशाल प्रोग्राम अरेंज किया था जिसमें हमारे संत कालीराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया वसंत शाह दरबार के, और डॉक्टर्स को सहयोग, डॉक्टर के सहयोग से यह कार्य हुआ जिन्होंने ये आकर प्रोग्राम मिलजुल के किया। हम उनसे आभारी हैं, हम आभारी हैं हमारे स्टाफ के जिनकी रेगुलर डेडिकेटेड सर्विस की वजह से लोगों को ये सब सेवाएं मिल रही है, और जिसकी प्रशंसा एक एक डॉक्टर करता है कि आपका स्टाफ
एक मिला जुला हुआ फैमिली मेंबर्स है जो यह कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो सुंदर सेवक सभा ट्रस्ट का जो अस्पताल है स्वामी सर्वानंद अस्पताल, पिछले कई सालों से मैं कहती हूँ आपको उल्हासनगर शहर में पार्टीशन से लेकर आज तक ये जो सेवाएं जरूरतमंद मरीजों को दे रहा है या जितने भी जरूरतमंद हो, ये हो चाहे विद्यार्थी हो या किसी भी फील्ड से जुड़े जरूरतमंद, उनकी सेवा ये कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो अगर कोई भी ऐसा जरूरतमंद गरीब हो जिन्हें इनकी मदद की जरूरत है तो वो जा सकते हैं ये अस्पताल जो, ये ट्रस्ट जो है उल्हासनगर 5 में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आप वहाँ पे जाए और आपकी जो भी जरूरत रहेगी या जरूरत ये सेवा ये ट्रस्ट जो है वो पूरी करेंगे। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए लोगों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।